इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत भारती पुरस्कार किससे संबंधित हैं। तो ये पुरस्कार जो हैं आपके साहित्य से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिए जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान है उपाधियों के अंत का। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसी के तहत अनुच्छेद 18 में यह उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से वह भारतीय ग्रंथ जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है वह कौन सी है? पंचतंत्र है, जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, शहर है उनके किस नदी किनारे स्थित है उससे उस नदी का नाम दिया गया। तो देखिए, अहमदाबाद जो है ताप्ती नदी किनारे नहीं बल्कि साबरमती नदी के किनारे है, और गोरखपुर राप्ती के है, लखनऊ गोमती, कटक महानदी, ये सही है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ये बेनजीर भुट्टो की है। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में ग्रहों का सही क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद आपका पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये क्रम सही है। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं, ये सभी स्थानीय सरकार के विषय हैं, परंतु कानून और व्यवस्था इनका विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयुक्त होता है। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है वायलिन से है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो जो कठपुतली नाच है ये राजस्थान से संबंधित है, न कि उत्तर प्रदेश से, जबकि मयूर नृत्य, रास नृत्य और चरकुला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। बहमनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इसके बारे में और चीज़ देखें तो यह जो है मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के डभैरा की महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित किया जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निश्चित किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, और अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर कर निश्चित किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो महात्मा गांधी ने स्वयं जो है ये नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था, तथा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जिसका गठन 1966 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है, और यह जो है हाथी की भूमि तथा झीलों की भूमि इसे कहा जाता है। मौर्य काल का कौन सा अधिकारी माप तौल का प्रभारी था? तो पौतवाध्यक्ष जो था ये माप तौल से संबंधित है, जबकि सीताध्यक्ष का संबंध भूमि से था। जो राजकीय भूमि होती थी उसे उसका जो देखभाल करता था सीताध्यक्ष कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को प्रदान किए? तो कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को, क्योंकि बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है, इस युद्ध में विजय के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि करता था। इस संधि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब सुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे देता है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के काल में होता है? तो यह आक्रमण जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में होता है 1739 में, और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जब ये आता है तो इसका जो नाम था, जिस नाम से विख्यात था, वो क्या था? फारस का नेपोलियन। भारत के साथ समुद्री व्यापार आरंभ करने में निम्नलिखित में कौन अग्रणी थे? तो पुर्तगाली अग्रणी थे। देखिए, पुर्तगालियों का आगमन जो है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के नेतृत्व में होता है। दोहरे प्रशासन की नीति को 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ आरंभ किया था? तो बंगाल और बिहार में इन्होंने प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो यह है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में फोर्ट विलियम स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में फोर्ट विलियम स्थित। देखिए, 1698 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी को सूतानती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी अजीमुशान द्वारा दी गई। यहीं किला बंद बस्ती स्थापित की गई जो फोर्ट विलियम कहलाए। चार्ल्स आयर इसका प्रथम गवर्नर था। चार्ल्स आयर, याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यह वक्तव्य किसका है? रैमजे म्यूअर का, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं। आगे चलते हैं, दोस्तूरे बिजदी जो वाजिद अली शाह के काल में पूरा किया गया था, ये क्या है? प्रशासनिक कानून का संग्रह है। और वाजिद अली शाह
अवध के अंतिम नवाब थे। हैदर अली ने कहा एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, तो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना इसके द्वारा की गई और फ्रांसीसी अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस गुरु के समय गुरु का पद जो है पैतृक हो गया था? तो गुरु अर्जुन देव के समय में, सॉरी गुरु सिखों के चौथे गुरु रामदास के समय में जो है गुरु का पद पैतृक हो जाता है, और ये अकबर के समकालीन तथा गुरु अमरदास के दामाद थे, गुरु रामदास। तो याद रखिएगा, अकबर के समकालीन और गुरु अमरदास के दामाद थे। बेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष होता है? तो 1806 में बेल्लोर का विद्रोह होता है, या भारतीय सैनिकों का प्रथम धार्मिक विद्रोह था। इस समय बेल्लोर जो कि कर्नाटक में आता है, इसका शासक लॉर्ड विलियम बेंटिक था। मराठों का सरदेशमुखी क्या था? यह देशमुखों पर लगाए जाने वाला कर था। सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा देशमुख अथवा स्थानीय शासकों से लिया जाने वाला कर था। यह उनकी आय का 1/10 भाग भूमि कर के रूप में लेते थे। क्वेश्चन नंबर 29 पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी? बीओ चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की जाती है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा कितना था? 1/11 था। कार्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा लागू की थी। भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई। निम्नलिखित में से किस उद्योग में भारतीय पूंजी सर्वाधिक रही? तो सूती कपड़ा उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना भारतीय व्यापारियों द्वारा की गई थी। पहली कपड़ा मिल 1854 में कवासजी नाना भाई ने मुंबई में प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किससे लॉयल कमीशन का संबंध है? दुर्भिक्ष अर्थात अकाल से संबंधित है। 1897 में 1897 में वायसराय लॉर्ड एलगिन द्वितीय ने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। इस आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया था। स्ट्रेची आयोग भी अकाल आयोग से संबंधित था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम में लगाना है। देखिए, कार्नवालिस कोड जो है ये 1793 में पारित होता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का है, जबकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। तो इस प्रकार से सबसे पहले नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 में, तो टू, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर तीसरे नंबर पे कार्नवालिस कोड 1793। तो आपका क्या हो जाएगा? 231 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1843 के इंडिया एक्ट ने किस बात को अवैध कर दिया था? तो इसने एक्ट 5 ने किस बात को अवैध कर दिया? दास प्रथा को अवैध किया गया था। तो लॉर्ड एलन बरो के समय 1843 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के 5वें नियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के मैमनसिंह जिले में करम शाह ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, तो 36 है, 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था? तो नाना साहब यहाँ से नेपाल चले जाते हैं। तो इनका नाम धोधुपंत था। इनका नाम क्या था? धोधुपंत था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधवा विवाह मंडल की स्थापना की गई थी? तो एमजी रनाडे के द्वारा। एमजी महादेव गोविंद रनाडे ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1861 ईस्वी में 1861 में विधवा विवाह संघ या मंडल की स्थापना मुंबई में की। कहाँ? मुंबई में की थी। इनमें से किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया था? तो अमर्त सेन के द्वारा यह विचार दिया गया था, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने वर्ष 1990 में यूरोप व एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए यह विचार दिया था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 की सही है, रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा 2006 की है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है 2005 की नहीं है, बल्कि सन 2000 की है, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या अभियान 1988 की है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता होती है, यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित या दरारयुक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनाई गई? उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये अगस्त 1947 से मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन रहीं। निम्नलिखित में किस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में मुंबई में की गई थी और महात्मा गांधी ने इस बैंक का उद्घाटन किया था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बायोडीजल के रूप में प्रयुक्त होने वाली तिलहनी पौधे रतन जोत की आयु कितनी होती है? 40 से 50 वर्ष तक इनकी आयु होती है, और रतन जोत हमेशा हरा भरा रहने वाला और शीघ्र वृद्धि करने वाला पादप है, जिसकी लंबाई 4 से 5 मीटर और आयु जो है 40 से 50 वर्ष होती है। भारत में जेट्रोफा वर्ग के
की कुल 13 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में शल चिकित्सा के जनक निम्नांकित में से कौन थे, मतलब निम्नलिखित में से कौन है? सुश्रुत हैं। सुश्रुत चिकित्सा के जनक, शल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। इनके गुरु धन्वंतरी थे। अगला है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। ठीक है, देखिए बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। समान अर्थ में यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए शाख का सोर्स होता है? तो यह जो है आपका कॉरपोरेट उद्योग के लिए शाख का सोर्स होता है। भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों का चलन जो है वर्ष 1990 से है। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो क्रिसिल, केयर, इकरा, ये सभी के सभी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भारत में अधिकांशता बेरोजगारी कैसी है? तो ये जो बेरोजगारी आपकी यहाँ पर है वो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल है। तो भारत सहित विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली अधिकांशता बेरोजगारी संरचनात्मक होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण व्यक्तियों में रोजगार के अनुरूप कौशल का न पाया जाना है। देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो 16.51%, मतलब सबसे अधिक भारत के कुल जनसंख्या का सबसे अधिक भाग जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। भारत निर्माण निम्नलिखित में किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो भारतीय ग्रामीण जीवन को विकसित करने का कार्यक्रम है, जिससे ग्रामीण आवास, ग्रामीण टेलीफोन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण पर बल दिया जा रहा है। अगला है, वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, किस लिए? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु चलाई गई थी। तो देखिए 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। करपाट एक स्वामित्व संस्था है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ से है? तो उत्तराखंड के देहरादून में है। इसके अलावा राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। आगे चलते हैं, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी, HCR, ये सभी लाया जाता है, परंतु साक्षरता को नहीं लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को अपनी द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। इससे पहले उत्तराखंड ने भी इसे अपना द्वितीय राजकीय भाषा बनाया था। भारत में निम्नांकित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो अश्मिया को नहीं दिया गया है, बाकी ऊपर जितने तीनों हैं उनको दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए मित्र मेला की स्थापना जो है GK गोखले के द्वारा नहीं बल्कि वीर सावरकर के द्वारा या BD सावरकर के द्वारा 1899 में की गई थी, जिसे बाद में अभिनव भारत नाम दे दिया गया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने, स्वराज पार्टी CR दास एवं मोतीलाल नेहरू और अनुशीलन समिति के संस्थापक वीरेंद्र कुमार घोष थे। निम्नलिखित में से खंड खाद्यक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं ब्रह्मगुप्त। कौन है? ब्रह्मगुप्त, ये एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ रहे हैं। लीप ईयर अधिवर्ष का जनक इनमें से किसे माना जाता है? जूलियस सीजर को। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है, यजुर्वेद से। तो देखिए ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितिक ब्राह्मण, इन दोनों का संबंध ऋग्वेद से, जबकि तैतृय व सतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वो यजुर्वेद से है। अतिस्फीति का अर्थ क्या है? जब स्फीति की दर 3 अंकों से अधिक हो जाए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। तो 64 न है, भारत महिला बैंक स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश है। इसके पूर्व महिला बैंक स्थापित करने वाले दो अन्य देश निम्नलिखित में से कौन है? तो पाकिस्तान और तंजानिया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? जौनपुर है। ठीक है, जौनपुर के बाद आजमगढ़, फिर देवरिया, फिर प्रतापगढ़ आता है। अगला है एल्टा विस्टा क्या है? तो यह एक ये जो है आपका सर्च इंजन है। ठीक है, याहू का वेब सर्च इंजन है। मैत्री ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका जो निर्माण है वह है आपका, एक सेकंड, सिंध नदी पर किया गया। कहाँ पर? सिंधु नदी पर किया गया है। यह ब्रिज लेह के चोगला मशार गांव में बनाया गया, जिसकी लंबाई 260 फीट है। किसी भी राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? कहाँ पर? केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार, 98(1) के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब केवल विधानसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है।
लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, कब करता है, जब वोट बराबर हो टाई की अवस्था में। अनुच्छेद 100 के भाग एक के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक वोट कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में वोट पक्ष व विपक्ष के मध्य बराबर स्थिति उत्पन्न हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कालाहारी आपका अफ्रीका में है, आटाकामा उत्तरी अमेरिका में नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका में है, थार मरुस्थल एशिया में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से किस परिकल्पना के तहत पृथ्वी के क्रोड को ठोस माना गया है? तो ग्रहाणु परिकल्पना के तहत। देखिए, चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के क्रोड को ठोस मानती हैं, वहीं ज्वारी परिकल्पना एवं वायव्य निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी के क्रोड भाग को तरल माना गया है। निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसे कहा जाता है? तो ऊपरी मेंटल को। किसे कहा जाता है? ऊपरी मेंटल को कहा जाता है। यह जो है 100 से 200 किलोमीटर गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद यहाँ पर पड़ जाती है और यहाँ पर जो गति होती है वो 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। बफेलो वालोश अपवाह वेषणों का उदाहरण किस देश में दिखाई पड़ता है? तो ये जो है आपका अमेरिका में दिखाई पड़ता है। देखिए, पवन द्वारा असंगठित ढीले कणों से उड़ा लिए जाने से बने गर्त को अपवाह वेषण कहते हैं। अमेरिका के ग्रेट प्लेस में लघु आकार वाली अपवाह वेषणों को बफेलो बेलोश कहते हैं। अल्लाह का बाद कहाँ स्थित है? तो अल्लाह का बाद कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। उथित स्थलखंड ऊपरी मुखी संचलन का उदाहरण है। भारत में कच्छ की खाड़ी के निकट 24 किलोमीटर लगभग 24 किलोमीटर लंबी भूमि कई किलोमीटर ऊपर उठ गई है, जिसे अल्लाह का बांध कहते हैं। मेशो पास की सीमा किस मंडल में स्थित है? तो मेशो पास की जो सीमा है आपकी वो मध्य मंडल में स्थित है। देखिए, 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई को मध्य मंडल कहा जाता है। इसमें तापमान का ह्रास जो है ऊंचाई के साथ होता है, मतलब जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेशो पास कहते हैं। इसके ऊपर जाने पर पुनः तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 76 नंबर क्वेश्चन, निरेटिक पदार्थ महासागरों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये महाद्वीपीय मग्न तट में पाए जाते हैं। तो देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट पर निक्षेपित पदार्थ अधिकांशतः स्थलीय अवसाद होते हैं, जिन्हें निरेटिक पदार्थ कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है। अगला है, समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणता का अवरोही क्रम निम्नलिखित है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और फिर मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। यहाँ पे ये जो इन्होंने चिन्ह बनाया ये गलत है, इसको इस तरीके से यहाँ पे चिन्ह होना चाहिए था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यदि देखें समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों की मात्रा, तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट और सबसे कम आपका कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। तो 78 नंबर क्वेश्चन है, आइस कैप किसे कहते हैं? तो जो आइस कैप होता है वो 50,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, मतलब आइस कैप सामान्यतः उच्च भूमियों को आच्छादित करते हैं, जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। अगला है, शोल्फ तारा निम्नलिखित किस प्राकृतिक घटना से निर्मित होता है? तो ये ज्वालामुखी से निर्मित होता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले धुआरे के साथ वाष्प तथा गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ भी गंधक की प्रमुखता को क्या कहते हैं? सोल्फ तारा कहते हैं। विश्व का सबसे दलदली क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूडान बेसिन है। सूडान बेसिन मुख्यतः 300 मीटर से नीचे की ऊंचाई में आता है। यह क्षेत्र नील नदियों के द्वारा सिंचित है। यह क्षेत्र संसार के सबसे दलदली क्षेत्र है, जिसे शूड कहा जाता है। अगला है, एक फोटॉन क्या होता है? एक फोटॉन जो है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम होता है। भौतिकी में फोटॉन या प्रकाश अणु प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मूलभूत कण को कहा जाता है। फोटॉन का द्रव्यमान जो है वो शून्य होता है। अगला है, समस्थानिक क्या रखते हैं? तो समस्थानिक में जो होता है इसमें समान परमाणु क्रमांक होता है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो है समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला है, यूरोप में चार राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यह है आपकी डेन्यूब नदी।
डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, वोल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर काला सागर में गिरती है और यह चार राजधानी शहरों वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट एवं बेलग्रेड से होकर के प्रवाहित होती है और ब्लैक सी में जाकर के गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो तहसील स्तर नहीं आता, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर आता है। तो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार तीन स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और यहाँ ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई? तो इसकी स्थापना जो है आपकी कब होती है? 1990 में होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 263 केंद्रीय राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में होता है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 263। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए कीट का भक्षण करते हैं जिससे कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? तो केराटिन जो है ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। देखिए, उन सभी अणुओं को जैव अणु कहते हैं जो किसी जीव में पाए जाते हैं। ये जटिल कार्बनिक अम्ल होते हैं। इनका निर्माण सजीवों के शरीर में होता है, जो सजीव होता है उसी के शरीर में होता है। मनुष्यों के नाखून एवं बालों में पाए जाने वाले केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला है, एल नीनो धारा निम्नलिखित में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होने वाली घटना है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित कैसी है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो आप देखें, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। वायुयान किस पर कार्य करता है? तो ये जो वायुयान होते हैं आपके, ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अशयान व असंपीड तरल या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, ये सभी के सभी जो है टमाटर में उपस्थित होते हैं। टमाटर जो है सोलैनेसी परिवार का सदस्य है। इसमें लगभग 10 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तथा एस्कार्बिक अम्ल प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में, और इसका गठन भी जो है वो लखनऊ में ही होता है। कब होता है? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई और प्रथम अधिवेशन भी लखनऊ में ही संपन्न होता है। वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो जेरेंटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? जेरेंटोलॉजी कहलाती है, जबकि डेंड्रोलॉजी जो है ये वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? तो जो सरसों या राई होती है, पीली सरसों, ये इससे प्रभावित होती है, क्योंकि ये जो कीट होते हैं ये पत्तियों किनारे से अथवा पत्तियों में छेद कर तेजी से उसको खा जाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जो बौने पौधे को लंबा करता था, पौधे में फूल बनने में मदद करता? तो जीबरेलिंस है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपीडियस है, और सबसे बड़ी जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। आगे चलते हैं, यहाँ पे दो सूचियाँ, इन्हें सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन और उसके रासायनिक नाम, इनको आप सुमेलित कीजिए। तो विटामिन B5 ये पेंटाथोनिक अम्ल हो गया, विटामिन B7 ये आपका बायोटिन हो गया, विटामिन डी ये आपका कैल्सिफेरॉल हो गया, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल हो गया। इस प्रकार से 2143 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो केराटोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसके लिए जो है आपका गर्म एल्मुना, किसका? गर्म एल्मुना का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पेरेंस पैट्रिए सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंस
पैट्रियाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार आपदा व आपदा प्रबंधन व राहत का कार्य करती है, तो अनुच्छेद 21 के तहत देखिए पहले पेरेंस पैट्रियाई सिद्धांत का मतलब क्या होता है। राजा देश का पिता होता है, इसके अंतर्गत संप्रभु जो सत्ता या सरकार है उस पर दायित्व होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सरकार प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं में राहत व प्रबंधन कार्य करने के लिए सरकार को बाध्य किया गया है, अर्थात वह बाध्य है। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के सिद्धांत कहाँ वर्णित है, तो उद्देशिका में, मूल अधिकार में, नीति तत्व में, इन सभी में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके लिंगानुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक लिंगानुपात आपका तमिलनाडु में, फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, फिर सिक्किम में आपका इस प्रकार से है। तो इसमें आपका तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और सिक्किम 1, 3, 2, 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे बेहतर स्थिति जो है वो केरल की है, और सबसे न्यूनतम मतलब सर्वाधिक कहाँ पे है केरल में, और सबसे न्यूनतम कहाँ पे है वो हरियाणा में लिंगानुपात है। आगे चलते हैं, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो पॉल एहरिलिच हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक निम्नलिखित में से कौन रहे हैं, तो अरुण कृष्णन रहे हैं। कौन रहे हैं? अरुण कृष्णन, बी ऑप्शन। तो देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, जबकि ही है, और इसके जनक अरुण कृष्ण को माना जाता है, जबकि जो हीरालाल चौधरी हैं ये प्रेरित प्रजनन अर्थात इंड्यूज ब्रीडिंग क्रांति के जनक माने जाते हैं। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये पेरिस में स्थित है। यह संगठन 10 यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए झारखंड के लिए यह परियोजना सही, तमिलनाडु पाइकारा परियोजना, कर्नाटक शिव समुद्रम परियोजना, केरल पापनाशम परियोजना, पापनाशम परियोजना जो है ये तमिलनाडु की है, कहाँ की है, तमिलनाडु के, तहत डी वाला सही नहीं है। जबकि केरल राज्य में इडुक्की, सवीरीगिरी, कुटिया याड़ी, थोलियार आदि परियोजनाएं स्थित हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी मिसाइल है जो रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। मिसाइल हवा में मार्ग परिवर्तन करने में सक्षम होती है, तथा चलते फिरते लक्ष्य को भेज सकती है। अगला है एस्प्लेन्ड पार्क निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो यह जो एस्प्लेन्ड पार्क है ये आपका सिंगापुर में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद व लापता हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए सिंगापुर में स्थित एस्प्लेन्ड पार्क में युद्ध स्मारक बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, उनके योगदान को सम्मानित करना है। बलि यात्रा किस राज्य का व्यापारिक मेला है, तो ये उड़ीसा का है। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर स्कूल सहज इंटरनेशनल किस राज्य में शुरू हुआ है, तो केरल में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, केरल में, और केरल में कहाँ पे, एर्नाकुलम जिले में कलाकी सुब्रमण्यम के द्वारा इसको खोला गया है। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता पहली बार कब जारी की गई, तो 1971 में। कब? 1971 में जारी की गई, पांचवी लोकसभा चुनाव के पहले। लौह अयस्क के उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य क्रमशः कौन से हैं, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 है कि विश्व के समग्र स्वर्ण उत्पादन में चीन का अंश कितना प्रतिशत है, 13% है। 13% चीन का ही अकेले है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 9%, रूस का जो है 8% और अमेरिका का 7% है। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ देश, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए तांबा आपका चिली से, तांबा चिली, लेड है जो है आपका लेड ऑस्ट्रेलिया से, पेट्रोलियम क्रूड जो है पेट्रोलियम क्रूड वेनेजुएला से, और प्राकृतिक गैस जो है वो आपकी रूस से। इस प्रकार से आपका 1, 2, 3, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में बजट पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में आरंभ होती है, तो भारत में बजट पद्धति की शुरुआत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में यह प्रारंभ होती है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। आगे चलते हैं, पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, अभिजीत बनर्जी व एस्थर डेफ्लो जो हैं ये इस पुस्तक के लेखक हैं। इनकी अन्य पुस्तकें
गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया शामिल हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में देखते हैं। 119 नंबर है, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ये है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाता है। एक सेकेंड, 120 नंबर क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद बात करें। ब्रोमीन एक तत्व, इसका परमाणु क्रमांक 35 है। यह हाइड्रोजन समूह का तीसरा सबसे हल्का तत्व है। यह कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका गलनांक -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे एक सेकेंड, 118 नंबर हो गया, फिर 120 हो गया, 119 नंबर क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा जो है ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। क्यों करता है? तो मरुस्थल में रहने वाले जीवों को जेरोकोल कहा जाता है। कंगारू चूहे में पश्वेत पसीना की ग्रंथि जो होती नहीं होती, जिससे यह पानी को किसी प्रकार से उत्सर्जित नहीं करता है। सामान्य ताप पर यह हो गया है। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में अल्कोहल अथवा ड्रग्स का सेवन करके गाड़ी चलाने पर कितनी राशि का जुर्माने का प्रावधान है? 10,000 का प्रावधान है। तो याद रखिएगा, इसमें 10,000 का प्रावधान है। आगे चलते हैं। ई धरती ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जो है वो भूमि संबंधी आवेदन व सरकार द्वारा संपत्तियों का कुशल प्रबंधन से इस ऐप का संबंध है। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। ए ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा। उन्हें समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया? किसने? तो भारत और किस देश ने, यह बताना है। तो इंडोनेशिया के साथ भारत ने जो है वो पैसेज एक्सरसाइज या पैसेक्स एक्सरसाइज को संपन्न किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसमें जो है आपका मार्टिन ग्रिफिथ्स, इनको जो है नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से कौन किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो चीन के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए आकलन से पहले यह स्थिति आ सकती है। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? तो 12 सदस्य। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्न से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसको? जोस जे कटूर को नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में मई 2021 में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो पुंडुचेरी ने किया है। यह लक्ष्य पुंडुचेरी ने हासिल किया है। तो देखिए, केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुंडुचेरी चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। मतलब चौथा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश कहें। अगला है, हाल ही में मई 2021 में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। ठीक है, असम में किया गया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये जो है अनुमान 9.3% कर दिया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 9.3% कर दिया, जब इसके पहले एजेंसी ने 13.7% वृद्धि का अनुमान लगाया था। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निकट भविष्य में इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि हाल के वर्षों में इकोनॉमिक की ग्रोथ कमजोर रहेगी, जिससे भारत की ग्रोथ की गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। 132 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन यह है, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये जो है आपका 1.411 अरब
पहुंच चुकी है। अगला, हाल ही में उनसे किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड सम्मानित किया गया? तो अनुपम खेर को। हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? राफेल नडाल को सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार वर्ष 2000 में पहली बार आयोजित किए गए थे। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में पुरुष और महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है आपका 11 मई को, कब? 11 मई को मनाया जाता है। यह दिन भारत के विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। अगला है, हाल ही में असम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमंत बिस्वा सरमा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है आपका उड़ीसा सरकार ने की है। किसने की है? उड़ीसा सरकार ने की है। देखिए, यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। पद्मश्री और पद्म विभूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास, जिन्होंने अंग्रेजी और उड़िया भाषा में सैकड़ों कहानियां, उपन्यास तथा कथा कविताएं और स्तंभ लिखे हैं, उनके नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में कौन पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने वाला दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये हैं कामी रीता शेरपा। ठीक है, कामी रीता शेरपा, और ये जो हैं 7 मई को 25वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया है? यह प्रतिबंध जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा लगाया गया है। तो लगाया क्यों गया है? क्योंकि जो ग्लाइफोसेट है एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है, जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। हाल में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने शपथ ली है। हाल ही में निम्न से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो कनाडा ने यह मंजूरी दी है, और यह बच्चों को के लिए मंजूरी पाने वाला यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले यह वैक्सीन 16 से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका जो नाम था वो क्या था? बी कल्याणम था। क्या था? बी कल्याणम। ये गांधी जी के निजी सचिव थे। कल्याणम 1943 में बाबू के निजी सचिव बने थे और 1948 में उनकी हत्या के समय तक वह इस पद पर आसीन थे। वे बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और 1960 के दशक में राजाजी के साथ जुड़े भी थे। कल्याणम का जन्म 1922 में शिमला में हुआ था। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर जनगणना की है? तो किसने की है? यह बंदर जनगणना जो है आपका हरियाणा सरकार के द्वारा कराई गई है। तो देखिए आपका कहते हैं हरियाणा ने 2021 के लिए एक बड़ी वन्यजीव जनगणना के भाग के रूप में 3 दिवसीय बंदर जनगणना का आयोजन किया है। पूरे हरियाणा में 600 से अधिक लोगों ने बंदर जनगणना में भाग लिया और वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन पर लगभग 6000 बंदरों का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया है। अगला है, जेजरो क्रेटर जिसकी तस्वीर हाल ही में मई 2021 में खींची गई, किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है? तो ये जो है आपका मंगल ग्रह पर यह एक क्रेटर है। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में प्राचीन क्रेटर जेजरो क्रेटर के तल की संरचना का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस रोवर ने क्रेटर के तल पर बिछी चट्टानों पर अपने विज्ञान के साधनों को केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इस रोवर के रोबोटिक आर्म में वाटसन नामक के एक कैमरे ने चट्टानों के विशिष्ट चित्र लिए हैं। आगे चलते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह रिमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया है? तो स्विट्जरलैंड। किसने? स्विट्जरलैंड। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया। स्विट्जरलैंड नहीं, सबसे अधिक किसने प्राप्त किया है? तो वो भारत ने प्राप्त किया। दूसरे पे चाइना आता है। और यह एक जो ये आपका कह सकते हैं प्रेषण प्रवाह है, यह
एक देश से दूसरे देश में भेजे गए धन का योग है या व्यवसाय भुगतान या परिवार के सदस्य दोस्तों को भुगतान प्रेषण हो सकता है। हाल ही में किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है? तो भारत के द्वारा यह मेजबानी की गई है। भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है और नई दिल्ली में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की। आगे चलते हैं, कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है? तो चीन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। यह चीन के ओर से जाने वाले पर्वतारोहियों को नेपाल शिखर पर चढ़ने वाले लोगों से संक्रमित होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में खबरों में देखा गया यजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? तो ये जो यजीदीवाद है, ये एक अद्वैतवादी धर्म है। क्या है? अद्वैतवादी धर्म है जिसका पालन यजीदी लोगों द्वारा किया जाता है, जिनकी आबादी दुनिया भर में लगभग 7 लाख है। वह जातीय रूप से कुर्द हैं। इस समूह का अधिकांश हिस्सा उत्तरी इराक में है और सिंचर के आसपास केंद्रित है। हाल ही में इराक में अत्याचारों की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम ने घोषणा की, इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने 2014 में यजीदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया था। क्वेश्चन नंबर 149, बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का समूह है? देखिए, 9 देश बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया ने नाटो के भीतर राजनीतिक परामर्श और सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। इसे बुखारेस्ट 9 या B9 नाम दिया गया। इसे नाटो गठबंधन में पूर्वी फ्लैंक की आवाज़ के रूप में माना जाता है। हाल ही में B9 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशों को वर्चुअली संबोधित किया है। आगे चलते हैं, हाल ही में 150 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान या मंत्रालय ने मानसिक कल्याण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में छात्रों के मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह नया ऐप CBSE संबद्ध स्कूलों के कक्षा 9 से 12 के छात्रों और अभिभावकों की मदद करेगा। इस ऐप के द्वारा अधिक या प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा सप्ताह में 3 बार लाइव काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।